हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि द्विघात समीकरण को सिर्फ देखकर उसके मूल आप किस तरह से बता सकते हैं। यकीन मानिए, सिर्फ आप इक्वेशन को देखेंगे और आपके मूल निकल कर आ जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये एक बात बता दूं कि इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने द्विघात समीकरण की एक और वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि बेसिक तरीके से द्विघात समीकरण को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, सॉल्व करने के बाद उसके गुणनखंड किस तरह से निकाले जाते हैं, उसके बाद उसके मूल किस तरह से निकाले जाते हैं। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। और इस वीडियो में आप सीखेंगे कि द्विघात समीकरण को सिर्फ देखकर उसके मूल आप डायरेक्ट किस तरह से बता सकते हैं। तो इसे सीखने के लिए पहले आइए हम इसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं। तो द्विघात समीकरण का जो एक मेन फॉर्मूला होता है, यानी कि आप देखकर सिर्फ बता सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण का यह फॉर्मेट है, यानी कि यह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, जनरल फॉर्मेट है यह द्विघात समीकरण का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस तरह के फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन यानी कि कोई समीकरण लिखा हो तो आप समझ जाइए वो द्विघात समीकरण होता है। ठीक है, समझ गए आप। अब उसको लिखने के चार तरीके होते हैं, यहां पर दोनों जगह पर प्लस प्लस हो, या फिर यहां पर प्लस यहां पर माइनस हो, या फिर यहां पर प्लस यहां पर माइनस हो, या दोनों जगह पर माइनस हो। बस यही चार फॉर्मेट बनते हैं, इसके अलावा कुछ और आना नहीं है। अब आप इसको देखकर इसके किस तरह से मूल डायरेक्ट बता सकते हैं वो कैसे आप समझेंगे, उसके लिए आप बिल्कुल ध्यान से यहां पर स्क्रीन पर देखिए। सबसे पहले आप इस वाले सिंबल को देखेंगे, यहां प्लस का निशान है या माइनस का निशान है। अगर प्लस का निशान है तो आपके जो भी फैक्टर आएंगे यानी कि जो भी मूल आएंगे, जो रूट आएंगे, वो सेम निकल कर आएंगे। अगर यहां पर प्लस का है तो मूल जो आएंगे वो सेम आएंगे, यानी कि एक ही तरह के आएंगे, एक ही साइन के आएंगे। ठीक है, यहां पर प्लस का निशान है तो यहां पर भी जो मूल आएंगे वो सेम आएंगे, यानी कि सेम साइन के आएंगे, उनके आगे जो निशान लगा होगा वो एक ही तरह का होगा, यानी कि दोनों प्लस प्लस में होंगे या दोनों माइनस माइनस में होंगे, एक ही साइन के होंगे, सेम साइन के होंगे, अगर यहां पर प्लस का निशान है तो। लेकिन यहां पर प्लस है तो सेम आएंगे, लेकिन यहां पर देखने के बाद फिर आप यहां पर देखेंगे, यहां आपने देखा तो इसका मतलब सेम आएंगे, मगर यहां देखने के बाद यहां जैसे ही देखेंगे तो यहां पर अगर प्लस का निशान है तो दोनों निशान एक ही तो आएंगे सेम, मगर वो माइनस माइनस के होंगे, यानी कि यहां पर जो निशान है उसके उल्टे साइन यहां पर आएंगे। तो दो मूल निकल कर आएंगे, दो आपके मूल यानी कि रूट निकल कर आएंगे, वो एक ही साइन के होंगे और इसके उल्टे होंगे, तो यहां माइनस माइनस हो जाएगा। यहां पे प्लस है तो दोनों मूल जो आएंगे वो सेम साइन के होंगे, मगर इस वाले साइन के उल्टे होंगे। यहां पर माइनस है तो यहां पे दो मूल निकल कर आएंगे, वो दोनों प्लस में होंगे, प्लस प्लस में होंगे, क्योंकि यहां माइनस है उसका उल्टा लेंगे। तो इस तरह से आप निकाल लेंगे, तो ये चीज आप समझ गए। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो साइन है, यहां पर अगर प्लस होता तो सेम होते, प्लस होता तो सेम होते, यहां पर माइनस है तो साइन अलग अलग आएंगे। अब अलग अलग आएंगे तो एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा, यहां पर माइनस है तो साइन अलग अलग आएंगे, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा। लेकिन एक चीज आपको यहां पर और समझनी है, यहां प्लस था तो सेम साइन थे और वो सेम साइन इसके उल्टे थे, यानी कि प्लस है तो माइनस माइनस, यहां प्लस था तो सेम आएंगे मगर इसके उल्टे, प्लस प्लस हो गए, यहां माइनस था। तो यहां पर अगर माइनस है तो यहां पर तो अलग अलग तो साइन आएंगे, मगर इस वाले साइन का उल्टा, जैसा कि हमने यहां पर पढ़ा है वैसा उल्टा देखेंगे। यहां पर यहां प्लस है तो यहां पर जो प्लस माइनस के दो तो आएंगे, मगर इसमें बड़ा वाला कौन सा नंबर होगा, बड़ा होगा इसका उल्टा, प्लस का उल्टा होता है माइनस, तो यहां पर जो भी मूल निकल कर आएगा वो माइनस वाला बड़ा होगा और प्लस वाला छोटा होगा। यहां पर माइनस का निशान है, दोनों अलग अलग मूल निकल कर आएंगे, मगर इसका उल्टा जो भी निशान होगा, यानी माइनस का उल्टा होगा प्लस, तो प्लस वाला जो मूल होगा वो बड़ा निकल कर आएगा और यहां पर माइनस का छोटा निकल कर आएगा। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था, मुझे उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। तो अगर आपको कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए अब कुछ एग्जांपल के साथ देखते हैं इसके मूल हम किस तरह से सिर्फ इक्वेशन को देखकर ही निकाल सकते हैं। तो पहला एग्जांपल आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 14। तो इसके हम मूल किस तरह से निकालेंगे ये देखिए, यहां पर इधर जो नंबर है इसको और इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, बेसिक तरीके में ये आपने सीखा था, तो मल्टीप्लाई तो करना है। तो 14 और 5 का मल्टीप्लाई करके यहां लिखने के बजाय आप इसको छोटे छोटे नंबरों में तोड़कर लिख दीजिए डायरेक्ट। जैसे 14 लिखा है तो इसको हम 7×2 लिख सकते हैं, 7×2 यानी 2×7=14 होता है। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा यहां पर। अब इसका मल्टीप्लाई हम करते थे बेसिक तरीके में, उसके बाद क्या करते थे,
जितना मल्टीप्लाई करने पर आया है, बीच वाले नंबर को ऐसे दो भागों में तोड़ना होता है कि उसका मल्टीप्लाई करके वही नंबर आए जो मल्टीप्लाई करके आया था, और जोड़ने या घटाने पे जो नंबर लिखा था वही आए। तो यहां से आपको क्या करना है, इसको ऐसे दो फैक्टर में तोड़ना है कि उसको जोड़ने या घटाने पे ये नंबर आ जाए। तो इसका इसका मल्टीप्लाई करके यहां लिख दिया। अब पांच, ये दो सत्ते 14 था और पांच था, तो अब हम क्या करेंगे, दो का पांच में मल्टीप्लाई कर लेंगे, पांच दुना 10 होता है और 7 होता है, तो इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं। और 10 में से जब 7 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि मूल आपको सिर्फ यहां से देखकर पता चल गए, एक मूल होगा 10 और एक होगा 7। तो हमने डायरेक्ट देखकर ही यहां पर लिख दिया है एक ही लाइन में। अब आपको यहां इसके सिंबल लगाने हैं प्लस और माइनस के। यहां माइनस है तो दोनों के निशान अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे, मगर बड़ा वाला कौन सा होगा, इसका उल्टा। प्लस है तो माइनस वाला बड़ा होगा और ये प्लस में होगा, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। तो दो मूल आपके यहां पर इस तरह से निकल कर आ गए हैं। आइए अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है, 2y² - 9y + 10। तो डायरेक्ट फटाफट से हम इसको लिखेंगे, इसका इसका मल्टीप्लाई करके यहां लिखना है, मगर इसको हम छोटे छोटे नंबरों में तोड़कर लिख देंगे। यहां 10 है और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, 10 को पहले तोड़िए छोटे नंबर में। तो 5 × 2 लिख सकते हैं क्योंकि 5 × 10 होता है, फिर ये वाले 2 का भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2। अब आपको क्या करना है, इसको ऐसे दो नंबरों में तोड़ना है कि उसके जोड़ने या घटाने पे 9 आ जाए। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 2 का 2 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 × 4 होता है 5, वैसे ही लिखा रहने देंगे। 5 का भी 5 × 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। अब ये 5 और में से जब 4 इसको जोड़ेंगे तो 9 बन जाएगा। तो ठीक है, यानी कि एक मूल आपका 5 हो जाएगा, एक मूल आपका 4 हो जाएगा। अब इसके आगे निशान लगाना है, तो निशान कैसे लगाएंगे, यहां पर प्लस है तो दोनों के निशान एक ही तरह के होंगे, अब इस वाले निशान के उल्टे होंगे। यहां माइनस है तो दोनों प्लस में होंगे, यानी कि एक मूल 5 होगा, एक 4 होगा, तो दोनों मूल इस। तो अगला एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है, 3y² + 7y + 2। तो इसके मूल देखिए कैसे निकालेंगे, यहां पर इसका इसका मल्टीप्लाई करके लिखना है, 3 × 6 होता है, तो 6 आप इसको 2 × 3 इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इसको आपको ऐसे दो नंबरों में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए। तो कैसे बना सकते हैं, 3 × 6 है तो इसको हम या क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 6 आएगा, 6 आ गया मल्टीप्लाई करने पर। अब 6 में अगर आप 1 का अपने मल से मल्टीप्लाई कर दें तो भी तो 6 ही रहेगा, और इसको अगर जोड़ दें तो 7 बन जाएगा। इसका मतलब एक मूल 6 होगा और एक मूल 1 होगा, डायरेक्ट हमने एक लाइन में निकाल लिया आंसर, 1 होगा और एक 6 होगा। अब इसके निशान कैसे डिसाइड करें, यहां प्लस है तो दोनों निशान एक ही तरह के होंगे, मगर इसके उल्टे होंगे, तो ये प्लस है, दोनों माइनस में होंगे, तो दोनों एक मूल -6 एक मूल -1 हो गया। तो इस तरह से हमने निकाल। इस वीडियो का लास्ट एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है, एग्जांपल थोड़ा बड़ा है, ध्यान से देखिए, 3y² + 29y + 68। नंबर बड़े हैं फिर भी हम इसका आंसर बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे, इसका इसका मल्टीप्लाई करना है, ये सबसे छोटे नंबर में पहले से ही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, 68 को छोटे छोटे नंबरों में तोड़कर लिखिए। तो 17 का 2 में गुणा करें, 17 × 34 होता है, 34 का फिर से 2 में गुणा करिए तो 68 आता है। तो आप इसके फैक्टर इस तरह से लिख सकते हैं, 17 × 2 × 2, यानी कि 17 × 34, 34 × 68, तो इसको तोड़कर इस तरह लिख दिया। यहाँ 3 लिखा है, 3 का भी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। अब इनको ऐसे दो नंबरों में तोड़ना है कि उनको जोड़ने या घटाने पर 29 आ जाए। तो कैसे आएगा, यहां पर 2 × 4 और 4 × 3 = 12 होता है, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 12 आएगा, और मल्टीप्लाई में 17 लिखा है, इसको जोड़िए तो कितना आएगा, देखिए 17 में 2 जोड़ेंगे तो 19 × 10 = 29 हो जाएगा, यानी हमें पता चल गया एक मूल 17 होगा, एक मूल 12 होगा। अब इसके निशान कैसे डिसाइड करें, यहां पर प्लस है तो दोनों निशान एक ही तरह के होंगे और एक ही तरह के होंगे, इसके उल्टे होंगे, यानी कि ये प्लस है तो ये माइनस और ये भी माइनस में होगा। तो आपने देखा कि सिर्फ एक लाइन में हम इसको देख कर ही इसका आंसर बता सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए जय सर के साथ।